जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार। अब भाई आप ना सुने तो आपकी गलती है, मेरे सुनाने थोड़ी ना खता हो सकती है। अभी अभी इसी रदीब का ये शेर सुनना था ना कि जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। और न तो अशआर सुनते हैं न वो इदाद देते हैं, वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे हैं, वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे हैं। तो अभी ये अंदाजा दम होंगे फरहरे की हवा खाकर, अभी जेरे आलम सरवर के मातमदार, अभी जेरे आलम सरवर के मातमदार बैठे हैं, अभी जेरे आलम सरवर के मातमदार बैठे हैं। ये ताजा दम हम भी होंगे फरहरे की हवा खाकर, अभी जेरे आलम सरवर के मातमदार बैठे हैं, शेख जेरे आलम सरवर के मातमदार बैठे हैं। हाय असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर कर्रार। इसीलिए मैंने शेर, इसी बड़ा शेर मैंने आहिस्ता से इसीलिए पढ़ा था कि ये समातों का इम्तिहान होना चाहिए कि हाय असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर कर्रार बैठे हैं। तो न इतना सर उठाए लश्कर आदा से ये कह दो, अभी ज़ैनब के दो दो जाफर है तैयार, अभी ज़ैनब के दो दो जाफर है, अभी ज़ैनब के दो दो जाफर है तैयार बैठे। ये दोनों मिसरे, ये दोनों मिसरे अली जनाब मौलाना बिलाल कादरी साहब के थे, ये दोनों मिसरे अली जनाब मौलाना बिलाल कादरी साहब के थे। न इतना सर उठाए लश्कर आदा से ये कह दो, अभी ज़ैनब से दो दो जाफरे, अभी ज़ैनब के दो दो जाफरे तैयार बैठे हैं। इनकी बात अब्बास भाई की एक बात मेरे दिल में आ रही थी कि तमाम कौम आ रही है, सिन्नी भी आते हैं, शिया भी आते हैं, वहाबी भी आते हैं, मगर वहाबी कुछ नहीं पाते हैं, सब कुछ पाते हैं, वहाबी कुछ नहीं पाते। इसलिए कि ज़हूर हुज्जत हक से ये फायदा होगा, हर एक गांव पे नुकसान। भाई अगर मेरी तरफ रहें, इसलिए खूने जिगर से शेर पढ़ता हूँ और इसलिए अकेला चीखने का आदि भी नहीं हूँ। एक नारा हैदरी, इधर उधर देखने के हम लोग कायली में नहीं, इधर उधर देखते हैं, हम लोग सीधा देखते हैं जब इबादत करते हैं। कि ज़हूर हुज्जत हक से ये फायदा होगा, हर एक गांव पे नुकसान जुल्म का होगा, ज़हूर हुज्जत हक से ये फायदा होगा, हर एक गांव पे नुकसान जुल्म का होगा। करेंगे काबे में हम लोग ताजियादारी, वहाबियों को भी मंजर ये देखना। करेंगे काबे में हम लोग ताजियादारी, वहाबियों को भी मंजर ये देखना होगा। करेंगे काबे में हम लोग ताजियादारी, वहाबियों को भी मंजर। और सब लोग बोलते हैं अगर अच्छा लगे तो, या ले या ले। करेंगे काबे में हम लोग ताजियादारी, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ इसी बस उसके बाद शेर का आवाज के करेंगे काबे में हम लोग ताजियादारी, ज़हूर हुज्जत हक से ये फायदा होगा, हर एक गांव पे नुकसान जुल्म का होगा। करेंगे काबे में हम लोग ताजियादारी। देखिए मेरी मजबूरी यह है कि जब मौलाना बिलाल कासमी साहब कहीं बैठे होते हैं तो मैं निज़ामत नहीं कर पाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं निज़ामत को अंजाम तक पहुँचा ले जाऊँ, इसलिए कि जबान रुक जाती है, जमाम शेर जो है भूलने लगते हैं जहन, और पूरे अल्फाज सब गायब हो जाते हैं दिलो दिमाग से। हमें मेरी मजबूरी है कि ज़हूर हुज्जत हक से यह फ़ायदा होगा। आखिरी शेर देखिए भाई, आप लोग समझदार लोग बैठे हैं, ज़हूर हुज्जत हक से यह फ़ायदा होगा, हर एक गाँव पर नुकसान जुल्म का होगा। करेंगे काबे में हम लोग ताजियादारी, वहाबियों को भी मंजर, वहाबियों को भी मंजर ये देखना होगा। तो इधर 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 उधर की गरीब मैयतें तो हटने दो, रसूल हक के भी रोजे पे मौजूद, रसूल हक के भी रोजे पे मौजूद। सलामत रहिए, सलामत रहिए, मौला सलामत रखे। या अली इधर, या अली आइए हजरात, रोशन दिलो दिमाग में किसी अंधेरे की जरूरत नहीं होती है,
بلکہ جہاں پہ روشنی ہوتی ہے وہاں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ایسی روشنی جس کا نام ہی روشن ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بنارس کی وہ روشنی، بنارس کا وہ روشن جو پوری دنیا کی محفلوں میں اپنی روشنی کی مثال بنا ہے، اپنے آپ میں اپنی روشنی کی مثال ہے، جس کا نام روشن بنارسی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ تلوار سے استقبال کریں۔ علی عباس صاحب پہلے ان کا استقبال کر رہے ہیں، دیکھیے کتنی بڑی بڑی شخصیتیں استقبال کر رہی ہیں، اب آپ لوگ بھی نعرہ تلوار سے استقبال کر رہے ہیں۔ جو شہر کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، جو شہر کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، وہ خلد کی جاگیر کا حقدار نہیں، شمع شب عاشور تو مولا نے بجھا دی، ارے پروانہ کوئی جانے پہ تیار نہیں ہے، کٹ جائے زبان پھر بھی میری ہار نہیں ہے، کٹ جائے زبان پھر بھی میری ہار نہیں ہے، او اللہ ہے اندازے جہاد علی اصغر، ارے لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، طلبگار نہیں ہے۔ اور ایک
مطلب چندھار اسی بہر میں اور ملاد کیا بڑھتا کوئی قافلہ سالار کے آگے کیا بڑھتا کوئی قافلہ سالار کے آگے ارے تھے اس کے قدم واقعی کی رفتار کے آگے تھے اس کے قدم واقعی کی رفتار کے آگے چل ملاحظہ کی کلی کی تراجی مایوس ہے بیار ارے انکار ہی انکار ہے انکار کے آگے انکار ہی انکار ہے انکار کے آگے اور کہتی ہے یہی پاس ہے لپٹی ہوئی زنجیر ارے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے زہرا نے بڑھائی ہے وہ عشقوں کی فضیلت ارے رومال بچھاتی ہے عزادار کے آگے رومال بٹھا عزادار کے آگے اور تاکہ وہ بلا راستہ ارے کر دیتے ہیں ہم وار ارے عباس چلا کرتے ہیں زوار کے آگے عباس چلا کرتے زوار کے آگے او انصار شہدی کی حقیقت ہے یہ روشن وقت آئے تو سر رکھتے ہیں تلوار کے آگے ایک اور بابا ہمارے بلال بھائی کی فرمائش ہے ایک مطلب چنچے لیکن آپ تھوڑا متوجہ ہو جائیے اتنا ہلکے سے میں پڑھتا بھی نہیں معاف کریے ایک بابا سے بلا نہ رکھنا آپ کو بلا نہ کرے بالکل نہیں ہے کرم قسمت
करूं हो उनका तो किस्मत मेरी बदल जाए गरीब का में घी का चराग जल जाए गरीब जमील जानती है बू तुराब की मर्जी जमीन जानती है वो तुराब की मर्जी अरे किसे सभा लिख के रखे किसे निकल जाए यो किसे संभाल के रखे जमीन जानती है वो तोला विकी किसे निकल जाए किसे संभाल के रखे क्या मुलाकात है लजा को इसीलिए अशरफ पुकारता है जहां अरे ये वो जगह है के इंसान निसल के बल जाए ये वो जगह है के इंसान और ये खैर पीछे वालों के लिए मुरादा कर लो ये वो जगह है के इंसान बुला ना कर फराज़दार से कहते हमी समय तमाम फराज़दार से कहते हैं मी समय तमार अरे अली का नाम लो मुश्किल का तम निकल जाए निकल जाए और एक शेर आखिरी उसके बाद मक्का मुलाकात नबी से
अपने बगावत नहीं तो क्या है जनाब। अरे महाज जग पे नियत अगर बदल जाए। और आखिरी छे बुला लग रहे बहुत नाजुक छे। और आखिरी छे अली का नाम लो मुझे। ओ अली की शक्ल में शकील में आपस हुए रोशन। अरे किसी चराग से जैसे चराग जल